नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दो ग्राम रक्षा गार्ड यानी VDG की हत्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि दोनों के शव शुक्रवार को बरामद कर लिए गए थे और आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। आतंकवादियों ने दोनों ग्राम रक्षा गार्ड का किश्तवाड़ जिले में अपहरण करने के बाद गुरुवार को उनकी हत्या कर दी थी। उनके शव केशवन के पोंडगवारी इलाके में एक नाले के पास मिले थे। आज रामबन डोडा रेंज के DIG श्रीधर पाटिल ने दोनों ग्राम रक्षा गार्ड के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। वहीं किश्तवाड़ की BJP विधायक शगुन परिहार भी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दोनों ग्राम रक्षा गार्ड के परिजनों से तो मुलाकात की ही, साथ ही उन्होंने गाँव के अन्य VDG से भी मुलाकात की और कहा कि यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंसानियत का कत्ल किया है बर्बरता पूर्वक, जिस प्रकार किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा क्षेत्र के ओली गांव के रहने वाले कुलदीप कुमार और श्री नजीर अहमद साहब की जिस निर्ममता के साथ, जिस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई, जिस प्रकार उनके शरीर को क्षत विक्षत किया गया, ये मानवता को भी दागदार करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। इन आतंकवादियों ने जो पाप, जो अपराध किया है, इसकी भारी कीमत इन कायर आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो ये मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छुपकर जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले निहत्थे और निर्दोष बेगुना लोगों को, बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध और पाप इन कायर आतंकवादियों ने किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा क्षेत्र में किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी की है। आतंकवादियों को और उनके हमदर्द जो मददगार हैं, जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको इन गुनाहों की सजा देंगे। श्री कुलदीप कुमार और श्री नजीर अहमद साहब की जिस बेरहमी के साथ, निर्ममता के साथ, बर्बरता से जो हत्या की गई है और उनको हत्या के बाद जिस प्रकार उनके शरीर को क्षत विक्षत किया गया है, बहुत बड़ा पाप और अपराध किया है जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को और आतंकवादियों के मददगारों को चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो पीड़ित परिवार हैं, विक्टिम फैमिलीज हैं, उनकी सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। ये हम सब का फर्ज बनता है कि पीड़ित परिवारों की पूरी संभाल करें, उनके परिवार, उनके बच्चों की संभाल होनी चाहिए और यकीनन होगी। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पीड़ित परिवारों को जो भी हर संभव सहायता होगी वो की जाएगी। ये आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन है, डेस्पिरेशन है। हमने देखा कि अखनूर हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, या कश्मीर घाटी का सोपोर हो, बांडीपुरा हो, लगातार आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ताबड़तोड़ ऑपरेशन चल रहे हैं। आतंकवादियों के टॉप कमांडर्स को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ढेर कर दिया है। फ्रस्ट्रेशन और डेस्पिरेशन में आके दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रात के अंधेरे में कायरों की भांति बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर ये आतंकवादी, ये बुजदिल और कायर आतंकवादी जो पाप और अपराध कर रहे हैं, इसकी इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने पिछले 20-25 सालों में बहुत बड़ा काम लोगों की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए किया है। मैं तमाम VDG मेंबर्स, VDC के मेंबर्स को
उनकी बहादुरी और उनके जज्बे को सलूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आतंकवाद के इस खात्मे में सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वीडीजी और वीडीसी मेंबर्स काम करेंगे। हम आपको बता दें कि इस वर्ष किश्तवाड़ सहित जम्मू क्षेत्र के अन्य जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, डोडा और कठुआ में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। किश्तवाड़ की घटना को लेकर जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कई ग्राम रक्षा गार्ड ने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। जब से देश के अंदर एक मजबूत सरकार आई है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आपने देखा होगा, इनने नहीं देखा होगा कि 90 से लेकर यहां पर क्या हालात थे। 2014 के अंदर देश का वोट जो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा उसके कारण यह वातावरण शुद्ध हुआ, और इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध। वीडीसी के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, और वीडीसी ना होती तो शायद कश्मीर की तरह डोडा की पहाड़ियां खाली हुई होती। यह वीडीसी को मैं सूट भी करता हूं इधर से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और देश की सरकार ने भी इस वीडीसी को वीडीजी में बदला, और 4000 की तनख्वाह इनको लगी, बहुत कम है। और आज क्योंकि ये गरीब लोग वहां पर रहते हैं, जितने भी वीडीसी के लोग हैं गरीब हैं, किसान हैं, भेड़ बकरी चलाने वाले हैं, आज 10 साल के बाद उनको लगा कि वातावरण शुद्ध है, और फिर वो अपनी जमीन लगाने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं और अपनी भेड़ बकरी लेकर वहां जा रहे हैं। अचानक वहां पर कहां से ये नमोद्वार हुए, कोई बात नहीं, देश की सरकार इतनी कमजोर नहीं। ये हमारे जो दो बहादुर जो कुंतवाड़ा के अंदर शहीद हुए हैं, ये अमर रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि ऐसे जैसे लोग शूरवीर लोग उनकी बदौलत वाला के बच्चे हैं। मैं उनको आज श्रद्धांजलि भी भेंट करता हूँ। हमारा वीडीसी साल पूरा यहाँ पर जो आया है उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। उनके परिवार को के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदमा सहने की उनको हिम्मत आए, और वो बेचारे उनको जो भी सरकार की तरफ से जो भी सहायता मिलनी होगी वो मिलेगी। उधर नजीर अहमद और कुलदीप सिंह के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कुलदीप सिंह का परिवार तो गहरे सदमे में है, क्योंकि उनके पिता अमरचंद की मृत्यु हो जाने के हफ्ते भर बाद ही कुलदीप की हत्या कर दी गई। वहीं नजीर अहमद के परिजनों का भी कहना है कि हत्या की घटना में शामिल आतंकवादियों को तत्काल मार गिराना चाहिए। ये लड़का मेरा है, ताई गयो तेरे नुआनास या सुम ग्वालो असेसी गरीब गेहूं राती वनस क्वालाउम ना फिर लगी साड़न साड़न फौज आई गनमैन गई फिर मेलो की दूर नाड़स में तसनो मारी तो बना ली दो ही दो से बाद मेलो मे घर वाल तो गे जुत रही मारी तो बासे से ते अंदर हो ये तो सुनो मारी तो बुकाना कसा हुई मैं कहूँ पालम त्रे सीम तो अको थूम वही कहो पालम में वही कहो संभालम में कहो पालम वो क्या करू मैं घर गयो खाली मैं मकान गयो खाली बकी सरम तिम निकी बच्चा तिम कहो पालम तिम निकन बच्चन मैं कहो पालम ये क्या सुख करन ये क्या सुख बिगाड़न ये थोड़ा ही फौजी सुम थोड़ा मिलीटेंट साड़ना सुख या सुम तेरन वनस या सुम तेरी कूनन टबर पालन जुत रही मोदूस मालू या सुस मालू मोदमु तू बाजे अंदर या सुम तेरन वनस वही कहो पाले में इस तिम लकड़ी बच्चा तिम कहो पाले मुई तिम कहो पढ़ाए मुई तिम कहो बनाए मुई मुलाजिम कहो पाले में वश बन तुम न वतनु वो क्या करो न बने में जमींदारी करनी वासे सुई बेई सासुम करन जमींदारी सासुम करन मजूरी करता सुसु पालन बानन बचन ते सुख पालन तो मैं ते सुम पालन वही कहो पाले से उन क्या कहेंगे जिन्होंने इस तरह की घटिया हरकत की है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? क्या करो नीनुम तेरी वो नस्त क्या करा गेहूं तेरन वो नस्त नीनुम आद वो क्या करा राची गेहूं एथन तो क्वाला उम न था
त्रे दो से मेलुम कान गेम था तेरी तो मेलिम ना ग्वालू तो मेलुम ना वही कहा पान पाल बो मैं कहूँ पालम तिमन दुश्मन क्या करे मुख में यही आसुम ग्वालू था यहाँ सुम मजदूरी कारी तो पालन था पढ़ मत नहीं लेख मत नहीं अनपढ़ आसुम ही मैं बनीम न पढ़ाओ नी अनपढ़ आसीम अनपढ़ आसीम कहूँ पाले में इस न बच्चन कहूँ पाले में वो क्या करो यू मैं कहूँ पाले मैं कहूँ संभाले वोश बन तुम न वो मैं कहूँ क्या दिए मुई वो क्या लागा वो क्या लागा वो क्या क्षमा वो किस रे मू पाले मुई में तिमन बिगाड़ा उमन में की न या सुम अनपढ़ या सुम तेर ग्वालू तिमन क्या करे न पता चला ऐसा कुछ हादसा हुआ है और किसने किया है ये किसने बताया आपको फिर गई इस फौजी छाड़ने फिर गई इस किसने मारा ये इनको कौन मारा है आपको हाँ फोटो त्राय न तवड़ा तवड़ा त्राय फोटो फिर ले मैं मोबाइल में मार मत मैम किसने मारा इसको क्या कुछ पता है मारू मिलिटेंट तो बेकान मारू मिलिटेंट मारू गए कहूँ मारे इसमें इस मारे हमने मैं कून मिलिटेंट मारू मिलिटेंट मारो मैं तो क्या जबक हुई बो मैं तामत क्या थू बो कांदे ले वक्त जबक ले वक बो ब्रंट करना था जबक तो बो क्या जबक हुई क्या जबक हुई बो बस देखे क्या न सुबह मैं कहा ऐसे ना बस मैं गई शाख मुझे दे मोर बे कुछ मार मिले डर तो बे के वाना वो मोर तिमन क्या तुम भूषण ऐसे तिमन क्या हुआ नहीं तो अब आया क्या नहीं अगर पूछना है तो पूछ तिमन यहाँ के पेट वो दिन तिस पेट वो दिन इस घर में पात्र पे मुझे कर वो रुपया दिन दे दो मन पगा था काल क्या था इनशाला देख क्या आदमी आने बाबा नजीर अहमद था उसका नाम क्या हुआ उनको मिलिटेंट ने मार चुका है उनको क्या कहेंगे आप कैसे बस वो भी मारने जाए था अभी और मेरे भाई को एक नौकरी मिल जाए आपको कब पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है आपके फादर के साथ कल शाम को क्या सुना मैंने सुना कि वो मिलिटेंट ने मार चुका है अब उन लोगों को क्या कहेंगे जिनने इनको मारा बस उनको मार डालना कुछ नहीं बोलता था बस दिखाता था उधर बोलते हैं ये इधर बोलते हैं ये वो बोलने लगे उधर पांडव गाड़ी में बोलते हैं वो उधर शादी में आए थे उधर से हो गए उधर चारों के साथ फिर क्या हुआ वो मार डाला मिलिटेंटों ने उन मिलिटेंटों को क्या कहेंगे आप बस उन मार उनको मार डालना था बस शाम को मोबाइल को मैसेज लिखा था कि मिलिटेंट ने वो मार दिया सुबह गया था इधर बेटों के साथ वो मार दिया आपने कैसे सुना फिर क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या करते मैसेज रखा था मोबाइल पे फोटो देखा था पापा का किन्होंने मारा क्या बताया था और उनको क्या कहेंगे अगर देख रहे हैं उनका भी बदला लेना चाहिए था उनका भी बदला लेना चाहिए था घर पे कौन कौन है आपके क्या करते थे वो कैसे घर चलेगा अब आगे क्या कुछ पता है आपको तीन भाई थे एक अलग है एक उधर आगे
लद्दाख मजदूरी कर रहा है। पापा भेड़ चराते थे। सब कारोबार पापा के हाथ में था। बाबू जिम्मेदारी कौन संभालेगा? क्या कहेंगे तुमने उनकी? बराबर बदला लेना चाहिए था। क्या उन्होंने किस तरह का ये काम किया? कितना गलत काम किया? बहुत गलत किया हमारे साथ। हमें भी कुछ मिलना चाहिए। सारा गोरमी की तरफ। क्या हम लोगों को इस तरह के कोई काम करना चाहिए था? उन लोगों को क्या कहेंगे आप? अगर वो सामने होंगे आपके तो क्या बोलना चाहेंगे? बराबर बदला लेंगे। जी, मेरा नाम तस्लिमा बेगम है। यहाँ पे किसकी डेथ हुई? कैसे हुई? वो क्या लगते थे आपके? वो हमारे ससुर जी थे और वो उधर ऊपर गए जंगल में ये डंगरू को चराने। तो शाम को हमें पता चला कि कॉल करने लगे, वो घर नहीं आए। तो हमने वेरिफिकेशन के बाद में उन्होंने बोला, मैसेज आया उधर से कि ये हमने मार डाले हैं। अब क्या मैसेज है? किन्होंने मार डाले? वो मिलिटेंटों ने मार डाले। तो हमें फिर वेरिफिकेशन की हमने कॉल की, वो उन्होंने फोन तब तक स्विच ऑफ किया। तो वो तो अपना काम कर रहे थे, उनका क्या बिगाड़ रहे थे? अगर जिहाद करना है तो अपने माँ बाप की खिदमत करते। तो ये कौन सा जहाज है? ये हमारा क्या? हम उनका क्या बिगाड़ते थे? क्या काम करते थे? कैसे? हम तो मजदूरी करते हैं। वो तो हमारे सार के वो क्या नाम बोलते हैं कि घर चलाने वाले तो वही थे, कमाने वाले वही था। हम तो अभी छोटे छोटे हैं। तो जब आपने सुना तो किस तरह का माहौल था यहाँ पे आपके गांव में? हम तो पहले अमन से थे, तो बाद में हमें पता चला कि और भी कुछ चल रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे आप जिन्होंने ये हरकत की? उन लोगों के साथ गवर्नमेंट की तरफ से हमारी मदद चाहे कि उनको भी बदला लेना चाहिए। हम उनका क्या बिगाड़ते थे? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, पाकिस्तान की ये घटनाएं, ये अभी ये गिरौनी हरकतें फिर हमारे मतलब कुंतवाड़ा इलाके में ये करने लगे। दुर्भाग्य की बात है कि शाम के 6:30 बजे हमें जैसे फोटो ग्रुपों में वायरल हुए, हम वहां से निकले और हमने सर्च ऑपरेशन जारी किया। खाली बीडीजी थी और सपाट पे पहुंचते, जब हम सपाट पे पहुंचे तो दोनों वहां कुछ अंडरग्राउंड हमें बर्तन वगैरह भी मिले जहां पे उन्होंने राशन वगैरह खाया था। और वहां से तकरीबन एक आधा किलोमीटर दूर जाके एक ऐसी जगह पे जहां किसी फोर्स, अगर मैं कहता हूं कि अगर लोकल हमारे मतलब लोकल बंदे नहीं होते तो वहां पे हमें उनको मतलब मिलने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसी जगह पे कि अगर वहां ऐसा मतलब ऐसी जगह थी वो कि चारों तरफ से घेरी हुई थी और नाला था, अगर वहां हम लोग जाते तो वहां मतलब बचने की कोई संभावना भी नहीं थी। वैसी जगह पे इन्होंने वहां पे जाके इनका मतलब गोली से इनकी हत्या कर दी। और मैं ये दुर्भाग्य की बात है और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इतनी ये कुंतवाड़ा की जनता जो है इतनी ये कमजोर नहीं है, ये धीमी नहीं है। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं नापाक पाकिस्तान को कि ये गिलानी हरकतें ये छोड़ दे, क्योंकि ये यहां हमारे भाईचारा है, यहां हमारे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। इसको न बिगाड़ते हुए, हमारे साथ खिलवाड़ न करते हुए मैं इस नापाक पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी देता हूं ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत न करे, हमारे बच्चों को कहीं जेर न दे, हमारे बच्चे हमारे जो इस परिवार में अभी बीत रही है हम इसका कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। और जिन घिनौनी हरकत से क्या खाया था इन लोगों ने? गरीब थे बेचारे, भेड़ बकरियों के साथ गए थे, फिर इनकी हत्याएं क्यों? वजह मैं पूछता हूँ उस पाकिस्तान से कि हमने क्या किया? हम मजदूम आदमियों ने क्या किया और ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्या इनको हमारे भाईचारे से कोई दिक्कत होती है? क्या इनको यहाँ मतलब क्या ये अपने जताना क्या चाहते हैं ये?
उस पाकिस्तान उस जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं, चाहे ये कोई भी फोर्स है या मतलब कौन सी एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की एजेंसी है, इनको मैं फिर से कुंतवाला की पूरी पब्लिक की तरफ से कहना चाहता हूं कि ऐसी हरकत ना करें, ताकि इसका बहुत बुरा अंजाम होगा और इसके हम पीछे नहीं हटेंगे। देखो जब हम वहां पे गए, जब हम वहां पे पहुंचे, हमें कुछ हाइड आउट मिला, उनके बर्तन वगैरह मिले और जहां पे उन्होंने भेड़ू खाया था, हम वहां पे जब गए, हमारे साथ नरेश जी थे, जब हमें वो बर्तन वगैरह मिले, वहां हमने जब देखा, उस चीज को देखा, वो हमारे साथ में था, उसने पूरी नफरी जो है अलर्ट कर दी कि यार यही मतलब यही आसपास होंगे कहीं। तो हम लोकल जो थे, जितने भी हम लोकल थे, लोकल बॉडीज थी या वीडीजी के मेंबर्स थे, हमारे साथ एक चौकी अफसरान साहब साहेबान थे और एक नरेश जी थे, अदरवाइज हमारे साथ ना कोई ये एसओजी का बंदा था ना कोई ये आर्मी का बंदा था। हमने लोकल वहां लोकल सर्च चलाया, वीडीसी ने लोकल सर्च वहां पे चला के, हम जब सपाट पे गए, कुछ हमारे एक दो बंदे जब गए, उन्होंने ऊपर से जब उन्हें सर्च करते करते जब आए, तो वो जब सामने निकले तो उन्होंने नीचे उनकी टांगें देखी। टांगे देखने के बाद फिर हमने आउट सर्च किया, वहां पे चारों तरफ हमने देखा, देखने के बावजूद कुछ नफरी हमने लगा दी, दाएं बाएं लगा दी, और उसके बाद हम जब वहां पे गए, फिर वहां पे रस्सियां लगाई हमने इनको, रस्सियों से हमने खींचा इनको, तो किसी गड्ढे में डाला, मतलब ऐसी जगह थी कि मतलब वहां कोई न, बहुत ही खतरनाक जगह थी, न इधर से नजर आता था न इधर से आता था, और वहां किसी को भी ये लाशें न मिलने मतलब मिलती नहीं, मतलब उन्होंने ऐसी इन बॉडीज को फेंका हुआ था कि ये मिले ना, बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा हुआ था, क्योंकि आज कोई लोकल ऊपर नहीं है, कोई माल मवेशी वाला ऊपर नहीं है, आज वहां कौन देखता, वहां तो मतलब ऐसा रास्ता है कि चारों तरफ से वो बिल्कुल ऐसा मतलब नीचे खड़ा है, उस खड्डे में लेके रखा था इन्होंने। तो ये हमारे साथ बहुत दुखद भरी खबर है कि दो दो जवान हमारे गांव से, आज दो दो शब हमारे गांव से उठ रहे हैं, और हमें इस चीज से बड़ी दिक्कत होती है कि ये लोग जो हैं, ये कौन से लोग हैं और ये क्यों करना चाहते हैं, ये कौन सी तंजीम को बढ़ावा देना चाहते हैं, और मैं इस नापाक हरकतों को लेके आज इस मंच से बोल रहा हूं, आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि इन लोगों को मैं इन लोगों को बोलता हूं कि ये ऐसी घिरौनी हरकतें ना करें, गरीब आवाम पे जुल्म ना उठाएं, और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। ये घटिया जो पाकिस्तान घटिया जो है, जो इसकी हरकतें हैं, इसको अगर दम में नीचे उतरेगा लड़ेगा हमारे साथ, अब मैं भी बीडीजी वाला हूं, इसको दम में अगर ये नीचे आके लड़े हमारे साथ, ये घटिया जो है, जो एक भेड़ बकरियों के साथ जो थे उनको पकड़ के जबरदस्ती बांध के मारा है, और उनमें हिम्मत थी, अगर वो असली जादी थे, उनको हाथ छोड़कर और उनको हाथ में गन्ने देकर वो भी जाल लड़ते थे उनके साथ, और हाथ बांध के और मार दिए, वो क्या वो कौन से मजहब के लोग हैं, पाकिस्तान का कोई मजहब ही नहीं है उसका, कोई न हो हिंदू है न मुसलमान है। मैं आज यहां से वार्निंग देता हूं पाकिस्तान को कि संभल ना आया तो संभल जा, नहीं तो फौज से ज्यादा कड़क वीडीजी है, और जिस जगह पे इन लोगों को रखा गया था, कुलदीप जी को और नजीर जी को, और वहां पर कोई फोर्स उनको ढूंढ नहीं पाती थी, वो ऐसा घेरा हुआ था, वो दोनों साइडों से ऐसा पहाड़ था, मतलब क्लोज ऊपर से, और नीचे खुआ था, वहां पर नहीं मिलता था, वहां पर हमारे एक दो बंदे गए वहां पर जिनको उनको मिली डेड बॉडियां, और उन्होंने ये सोचा था कि ये शायद सब जाएंगे, ये शायद बेवकूब है, ये सीधे जाएंगे सारे, तो हम ऊपर से इनको अटैक करेंगे, तो हम और भी उधर बनाए, उतने वो हमें बेवकूब नहीं समझे, हम भी ट्रेनिंग करके आए हैं, वो अपनी हरकतों से समझ जाए, नहीं तो अगर ज्यादा कुछ है उनको सीधे चुनौती दे दे, क्या जाओ, हम तैयार लड़ने के लिए, हम तैयार हैं, हमने किस लिए, उसी लिए तो हमने पकड़ी है, लड़ने के लिए तो हमने पकड़ी है, पर लेकिन एक घटिया जो पाकिस्तान है, जो घटिया फौज जो अपनी डाली है इधर, अगर इसको अगर इनको अगर दम है, ये नीचे आके हमारे साथ सीधे वार्निंग देके लड़ेंगे। शुक्रिया। और जैसे कि हमें कल अचानक से फोन आया कि यहाँ पे दो जो ऊपर टॉप पे गए थे वो मिसिंग है, तो थोड़ी देर के बाद कोई कश्मीर टाइगर्स करके आतंकवादी ग्रुप है, उन्होंने पोस्टर जारी किए और उनके फोटोज वायरल हुए किसी नाले में, तो ये ट्रेस नहीं हो पा रहा था, तो काफी लेट पता चला, तो ट्रेस नहीं हो पा रहा था कि कहाँ पे है क्या है। सुबह जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी वीडीजी को पता चला, हमारी वीडीजी यहाँ से मूव ही और वहां के लिए चले, काफी मशक्कत के बाद ये वहां पे पहुंचे। जैसे कि वीडीजी का कहना है कि जहां पे वो थे उनका वहां पे बहुत बड़ा हाइड आउट नेटवर्क है,
कि अगर वहां पे जैसे मैंने अभी वीडीजी से बात की कि आपका क्या वहां पे कैसा क्या रहा, इन्होंने ये कहा कि वो बहुत बड़ा हाइडआउट एरिया है, वहां पे अगर 100 जवान भी छुपा होगा तो ढूंढना बहुत मुश्किल है और कैजुअल्टीज बड़ी ज्यादा होंगी, उन्होंने वैसा एक एरिया चुन के रखा है। तो ये जो किलिंग हुई है, अभी हम यहाँ पे इनके घर में आए हैं तो यहाँ पे पूरा माहौल मातम का छाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, ये अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, कि जल्दी से जल्दी इनके बारे में रिलीफ के बारे में सोचें और जो एसआरओ है एसआरओ के तहत इनको कोई नौकरी का कोई सिस्टम हो, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में 10 साल का इनका लड़का है तो बिल्कुल कमाने का कोई सोर्स नहीं इनके घर में, और आप खुद देख के आए हैं यहाँ पे। और हमारी यही एक मांग है कि जो हमारी आर्मी यहाँ पे थी, जिनको यहाँ से नीचे डाउन कर दिया गया है, जो मिलिटेंसी यहाँ पे हाईएस्ट पीक पे थी, तो हमारे यहाँ पे आर्मी दी गई थी, तो बाद में जो आर्मी यहाँ से हटाई गई है, तो हम चाहते हैं कि आर्मी वापस आए यहाँ पे पहले। तो रोड की कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पाता ढंग से। तो दूसरा हमारा रहेगा कि रोड का हो, तो अगर रोड होती तो हो सकता था उनको उसी टाइम यूटिलाइज कर सकते थे। जब तक पहले भी इस तरह के हादसे यहाँ पे हुए हैं क्या भाई साहब? कुंतवाड़ा में पहले भी बड़े सारे हादसे हुए थे, आज से 20 साल पहले, आई थिंक शायद लास्ट टाइम 2003 या 2004 में हुआ था। तो पहले भी बड़ी यहाँ पे कांड हुए, बड़े लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद वीडीजी यहाँ पे इंस्टॉल की गई और आर्मी यहाँ पे लाई गई, और इनकी मशक्कत, इन वीडीजी की वजह से हमारा इलाका जो है आज तक सेफ रहा और भाईचारे का एक मिसाल है हमारा इलाका, और शहीदों की भूमि माना जाता है कुंतवाड़ा को। पहले से ही शहीदों यहाँ पे बड़ी बलिदान दे गए हैं यहाँ पे, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ साहब। भाई साहब, हम इनको ये आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो ये नापाक हरकत ये हमारे इलाके में कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिनके घर में एक ही चारा है कि ये सुबह शाम अपनी भेड़ बकरी चरा के अपना घर का गुजारा करते हैं, और यहाँ पे हिली एरियाज और कोई बाकी फैसिलिटी न होने की वजह से इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऐसा कारोबार भी नहीं है, इनकी मजबूरी है माल मवेशी। तो ऐसे लोगों को मार के क्या जिताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, कि ये टेरर फैलाना, आतंकवाद फैलाना। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये कुंतवाड़ा की जो जनता है, ये पहले से इन पहाड़ों पे रह चुकी है, इनको डराने धमकाने की कोशिश मत करें, इस तरह से ये घिनौनी हरकतें करके हमारी पब्लिक को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई साहब, ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, इनकी ये हरकतों की वजह से हमारा भाईचारा टूटने वाला नहीं है, हमारा भाईचारा जो है कामयाब रहेगा। और आपने खुद देखा होगा ये मिसालें, जब आपने कुंतवाड़ा एरिया एंटर किया होगा तो आपने पुल के साथ में ही देखा होगा कि मंदिर मस्जिद कैसे साथ में बने हैं, कोई बीच में 2 फुट का गैप होगा शायद। हमारा इलाका जो है भाईचारे पे पहले से कामयाब था और कामयाब रहेगा। पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकतें हैं, इनकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब, उन लोगों का यही कहना चाहते हैं कि अगर ये हरकतें हमारे लोगों के साथ दोबारा हुई तो हम ईंट का जवाब पत्थर के साथ देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।